मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लेखपालों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको लेखपालों के माध्यम से समाज के निचले पायदान तक योजनाओं को पहुँचाया जाता है, जिसको सुचारू रूप से पहुँचाने में दिक्कत आ रही है, जिसको देखते हुए लेखपालों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी लेखपाल शामिल हुए हैं और प्रयास है कि लेखपालों को दक्ष बना शासन की योजनाओं को हर तबके के लोगों तक पहुंचाया जाए और अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सहजनवा सुरेश कुमार राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता, कैंपियरगंज तहसीलदार नीलम तिवारी सहित जिले के सभी लेखपाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भेजते हैं हम संस्तुति करके कि दिया जाए, तो पता चला कि ऊपर के लोगों ने तो नीचे के मैटर को ही अग्रसारित कर दिया, इसलिए रिपोर्ट जरूर पड़े। जिलाधिकारी महोदय से पूछ लेते हैं साहब इसमें करना क्या है। तमाम मामलों में होता है कि हमें सकारात्मक लिखना होता है, अगर सकारात्मक निर्देश होते हैं, अनियमित की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इल्लीगल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको इल्लीगल कर दीजिए या अनियमित कर दीजिए, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आए कि ऊपर के स्तर का अधिकारी उस रिपोर्ट पर सकारात्मक कार्रवाई कर सके, ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में मुझे इतना कहना था। धारा 28 के बारे में मुझे ये कहना है कि आप लोग जो रिपोर्ट भेजते हैं, थोड़ा सा मैं सबको बता दे जाना चाह रहा हूं कि भाई आप भी बनाए, मतलब चाहे तो लेखपाल साहबान भी धारा 28 की रिपोर्ट बना दे, आरके या आरआई उस पर साइन कर दे। सबसे पहली बात, मान ले कि कोई एक नंबर है जिसका वो दुरुस्ती करना चाहता है, ठीक, मान लीजिए नंबर हो गया 878, हमने मैं एक मतलब याची हूं, मैंने एक मुकदमा डाला, उसमें कहा कि साहब मेरा 878 नंबर छोटा है और उसको पुष्टिकृत मैप के अनुसार पूरा कर दिया जाए। आप क्या करें, एक टेबल बनाएं, टेबल में 878 लिखें और उसके आगे लिखें कि किन मूल नंबरों से बना हुआ है। मान लीजिए कि 878 बना है 115 मिल जुमला, 125 मिल जुमला और 130 मिल जुमला, ठीक है, मान ले कि 878 नंबर 115 मिल जुमला, 120 मिल जुमला और 125 मिल जुमला, ये तीनों नंबर आप लिख लें आगे सेकंड में। अब इसके बाद ये करें कि जो 115 के बजाय कुछ और वो नए मिल जुमला नंबरों से बना हो, इस तरह से आप वहां तक जाएं जहां तक मिल जुमला नंबरों की श्रृंखला वर्क में ही करें इसको, आप नंबर लिखें, उनके मिल जुमला नंबर लिखें, वो मिल जुमला नंबर जिस नंबर में है वो नंबर लिखें, फिर मिल जुमला लिखें, ऐसे ऐसे करते। कोई ऐसा गाटा है जो एक ही गाटे से बना है, कोई ऐसा गाटा है जो एक ही गाटे से बना है, उसका नक्शा दुरुस्त नहीं होगा। आप पुराने में उसका नाप लीजिए, नया नाप लीजिए, अगर पुराना और नया बराबर है तो समझिए वो आउट हो गया, ठीक है। तो आपकी जो अभी रिपोर्ट आती है वो बड़ी सरसरी रिपोर्ट आती है। दूसरी, वकील साहब जो भी होते हैं वो मोटा मोटा बता देते हैं भाई आपका जो नक्शा दुरुस्ती का मसला है इसमें इतना खर्चा आएगा ना। ये शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको लेखपालों के माध्यम से जो हम नीचे तबके तक योजनाओं को लाभ पहुंचाते हैं उसको सुचारू रूप से कहीं ना कहीं पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, उसी के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जनपद के लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार एसडीएम सभी एडीएम उपस्थित हुए हैं और इस कार्यशाला में सभी उच्चाधिकारियों के द्वारा भी यह निर्देशन दिया जाएगा कि कैसे अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें और समयबद्ध योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाएं, इसी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।